स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन एंड बजट प्रोविजन। तो ये पॉइंट आप देखेंगे इस लेक्चर में। ये लास्ट पॉइंट है 1.1 का, जो 1.1 हम सिलेबस देखते हैं, जो 1.1 है ना, तो उसमें से ये लास्ट पॉइंट चल रहा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन एंड बजट प्रोविजन। तो चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड और सेकेंड नंबर टेक्निकल सैंक्शन। तो हमें डिफाइन मीन्स इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ती है या उसे डिफाइन करना पड़ता है। तो 4 मार्क्स के लिए आते हैं, 2 मार्क्स के लिए फर्स्ट वन और 2 मार्क्स के लिए सेकेंड वन। तो 2 2 पॉइंट्स हमें लिखने पड़ते हैं। इस प्रकार से ही आप क्वेश्चन में भी लिखना, पॉइंट वाइज लिखना, तभी आपको आउट मार्क मिल सकते हैं। और ये आपने नोटबुक में भी नोट डाउन करके लिखना है, करके रखना सब कुछ। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किसे कहते हैं, क्या होता है। इट इज द परमिशन गिवन बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रपोज्ड सब प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हो चुका फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ एनी वर्क इज डन बाय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर चीफ इंजीनियर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मीन्स क्या होता है, एक परमिशन होती है कि हम जो भी, मान लो एक्स वाई जेड हमने प्रोजेक्ट, हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, या मान लो परमिशन लेनी पड़ती है किससे, हाईएस्ट अथॉरिटी। मान लो वो पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर हो या चीफ इंजीनियर हो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। मीन्स हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये हाईएस्ट अथॉरिटी डिपेंड होती है, हाईएस्ट अथॉरिटी डिपेंड होती है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हमारी कॉस्ट चेंज हो जाती है तो उस प्रकार से अथॉरिटी भी चेंज हो जाती है, एक ध्यान में रखना इतना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, वो करने के लिए हम सक्षम या मान लो हम कैपेबल है क्या नहीं, उसके लिए भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले किससे लेते हैं, हम हाईएस्ट अथॉरिटी पीडब्ल्यूडी चीफ मिनिस्टर या चीफ इंजीनियर से भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हमें रिक्वायर्ड होता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालते हैं प्रोजेक्ट का, और उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेते हैं। हाईएस्ट अथॉरिटी मान लो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर या चीफ इंजीनियर से हम अप्रूवल लेते हैं, तो उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बोलते हैं। समझ में आया? तो ये था फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अब हम देखेंगे टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल सैंक्शन, इट इज द सैंक्शन गिवन बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट टू द डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड बाय एग्जीक्यूटिव डिवीजन। टेक्निकल सैंक्शन मीन्स द सैंक्शन ऑफ द डिटेल्ड एस्टिमेट, डिजाइन कैलकुलेशन, क्वांटिटीज ऑफ वर्क्स, रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो टेक्निकल सैंक्शन मीन्स क्या होता है, ये भी वन टाइप ऑफ द परमिशन ही होती है, मीन्स सैंक्शन होता है, टेक्निकल सैंक्शन होता है। और वो कौन देता है, हाईएस्ट अथॉरिटी देती है, मान लो पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर हो या चीफ इंजीनियर, वो हमें टेक्निकल सैंक्शन के भी परमिशन दे देता है। और टेक्निकल सैंक्शन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट। हमें जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसका हमें डिटेल्ड एस्टिमेट निकालना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हम टेक्निकल सैंक्शन ले सकते हैं। प्रपोजल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव डिविजन्स। और टेक्निकल सैंक्शन मीन्स क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, डिजाइन कैलकुलेशन, क्वांटिटीज ऑफ वर्क, रेट्स एंड कॉस्ट। मीन्स हमें टेक्निकल सैंक्शन के लिए हमें पूरे के पूरे ड्राइंग्स, जो भी उस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी ड्राइंग्स लग रहे हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट, डिजाइन कैलकुलेशन होता है उसमें, क्वांटिटीज ऑफ वर्क, कितनी क्वांटिटीज लग रही है उस वर्क को करने के लिए, उसके रेट्स क्या है और उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट कितनी आ जाती है, वो सब कुछ
होता है डिटेल्ड एस्टिमेट में, और डिटेल्ड एस्टिमेट के ही अकॉर्डिंग हम टेक्निकल सैंक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हमें परमिशन मिल जाती है। परमिशन मिलने के बाद हमें टेक्निकल सैंक्शन लेना पड़ता है, टेक्निकल सैंक्शन लेना पड़ता है। बाद में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलने के बाद हमें डिटेल्ड एस्टिमेट हमें निकालना पड़ता है, और उसके बाद में हमें टेक्निकल सैंक्शन लेना पड़ता है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से एग्जाम में भी इस पॉइंट वाइज ही लिखना, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन के लिए इस प्रकार से टू टू पॉइंट ही लिखना, टू मार्क्स के लिए ही आता है ये क्वेश्चन। और अब थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, बजट प्रोविजन। द मेथड एडॉप्टेड टू हैव अ प्रॉपर एंड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड बजटिंग। बजटिंग हेल्प्स इन प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड वेरियस एक्टिविटीज। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बजट प्रोविजन मीन्स क्या होता है, एक प्रोविजन जन होता है बजट का, किसके लिए, प्रॉपर एंड इफेक्टिव कंट्रोल। हमें प्रॉपर तरीके से और इफेक्टिवली कंट्रोल एक्सपेंसेस, मीन्स जो भी हमारा खर्चा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम बजट का प्रोविजन करते हैं। एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, तो कंट्रोल, प्रॉपर एंड इफेक्टिव कंट्रोल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड बजटिंग। तो उसे हम क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। तो ये किस लिए हेल्पफुल होता है, ये प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग द वेरियस एक्टिविटी, मीन्स अगर हम जो भी प्लान करेंगे वो बजट में ही प्लान करेंगे, और अदर भी वेरियस एक्टिविटी हम कंट्रोल करने के लिए हम बजट का यूज कर सकते हैं। और इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर प्रिपेयरिंग द प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का एक्सपांशन करने के लिए भी हम बजट प्रोविजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाती है अकॉर्डिंग टू बजट प्रोविजन। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन और बजट प्रोविजन देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।